अस्सलाम वालेकुम, मैं तो नाजी मैं स्कूल। हमारा आज का टॉपिक है सेकंड का मैथ जो है, हम इसमें क्या करेंगे, नंबर्स जो है इनको क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या नंबर्स दिए हुए हैं यहाँ पे, 2 to 7 जो है, तो हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया घटती हुई तरतीब, यानी कि जो कल हमने पढ़ा था, कल हमने असेंडिंग ऑर्डर पढ़ा था, आज हम डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ेंगे। तो डिसेंडिंग क्या है, डिसेंडिंग हुए 2 to 7 जैसे दिया हुआ है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे बड़ा वाला नंबर जो है वो वाला लिखना है। तो उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से आगे हमें ये नंबर्स लिखने हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, 7 है, 6 है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है। तो सेकेंड इसका क्या है, सेकेंड पार्ट जैसे कि 95 है, 64 है, 29 है, 44 है, 46 है, 47 है। तो इनमें क्या आएगा, सबसे पहले हमें जो सबसे बड़ा नंबर इनमें कौन सा है, 95 है। 95 के बाद क्या, 64 है, फिर 47 है, फिर 46 है, 44 है, 29 है। इसी तरह से हम थर्ड वाला भी करेंगे, 100 है, 70 है, 80, 90, 30, 20। तो इन नंबर्स को सबसे पहले बड़ा वाला नंबर लिखना, फिर उसके आगे 100 है, 90 है, फिर उसके बाद 80 है, फिर उसके बाद 70, 30, 20, तो 60 है, फिर 80 है, 90, 100, 86, 80, 20। तो सबसे पहले हम इस लाइन में देखेंगे सबसे बड़ा वाला नंबर जो कौन सा है, 100 है, फिर उसके बाद 90 है, फिर उसके बाद 86 है, फिर उसके बाद 80 है, फिर 60 है, फिर 20 है, तो 40 है, 42 है, 24, 26, 29। तो इसमें क्या आएगा, सबसे पहले 40 आएगा, हम देखेंगे सबसे बड़ा वाला नंबर यही है, 40 है, फिर इसके बाद 29 है, फिर 26 है, 24 है, 22 है। तो ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यानी कि सबसे पहले बड़ा वाला नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, इस तरह से ये हमें करना है। तो ये हमारे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर हो गए। तो आप बच्चों प्रैक्टिस करेंगे जहाँ से मतलब इससे प्रैक्टिस से आप और ज़्यादा सीखेंगे। तो कल हम इसे आगे इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।